गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। संधि की हम बता रहे थे कि तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पांचों भेदों को हमने पढ़ लिया है, खत्म कर लिया है, मतलब हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया है। अब हम संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे आज से, व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। इसको पहचानना तो आसान ही होता है, लेकिन इसका विच्छेद करने में कठिनाई आती है। हम विच्छेद इसका सही से नहीं कर पाते हैं। जब बेटा पेपर में किसका विच्छेद क्या होगा, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होने लगता है, ये होगा कि ये होगा। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक, तो परिभाषा देख लीजिए कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर अथवा स्वर के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजनी संधि होगी। यदि व्यंजन के बाद स्वर भी आ जाए तो भी व्यंजनी संधि होगी। अगर स्वर के बाद भी व्यंजन आ जाए, मतलब उसमें कहीं भी अगर व्यंजन आ जाए तो स्वर संधि होगी। ठीक, चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए, चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए, चाहे स्वर के बाद व्यंजन आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। पहला वर्ण कैसे पांचवें वर्ण में बदल जाता है, हम उसको देखेंगे। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि प्रथम वर्ण कौन सा होता है? पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो ध्यान देना है कितने वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं। तो क वर्ग, तो क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? सभी वर्ग में पांच पांच रहेंगे वर्ण। ठीक, तो क वर्ग में क ख ग घ ङ रहेगा। च वर्ग में च छ ज झ ञ रहेगा। त वर्ग में ट ठ ड ढ ळ रहेगा। त वर्ग में त थ द ध न रहेगा। प वर्ग में प फ ब भ म, मतलब पांच पांच उसके आगे का गिन देना है। ठीक, तो ये पांच वर्ग होते हैं, अब इसी पे ध्यान देना है। तो देखिए, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना कैसे होता है? जैसे क वर्ग में पहला वर्ण क है, तो क वर्ग में पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तो पांचवे वर्ण पे अंग आएगा ना, क ख ग घ घ चौथे पे, अंग पांचवे पे, तो क अंग में कैसे बदल जाएगा? ठीक, जैसे त वर्ग है, तो त वर्ग में त वर्ग का पहला वर्ण त है, और इसका पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तो त ठ ध त थ द ध न। ठीक, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण न होगा, ये ध्यान देना है। तो अब हम देखेंगे, जैसे षण्मुख है, क्या है? षण्मुख, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत, त में हलंत रहेगा, सत प्लस मुख, सत प्लस मुख तो बराबर क्या होगा? षण्मुख होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो त है वो अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाएगा, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण न है। ठीक, तो सत प्लस मुख इक्वल सन्मुख। उन्नायक का क्या होगा? उत प्लस नायक, उन्नायक का उत प्लस नायक होगा, ये ध्यान देना है। जैसे त है, ठीक, तो त क्या होगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, त का पंचम वर्ण न है। ठीक, तो देखिए, उत प्लस नायक, उन्नायक यहाँ पे हो जाएगा। सत प्लस मुख है, त है ना, तो जब सत में मुख जुड़ेगा तो क्या होगा? त अपने वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाएगा, तो त का पांचवा वर्ण कौन सा है? तो ल है, ल। तो सत प्लस मुख बराबर षण्मुख हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है। जैसे त है, त भी व्यंजन है, इसमें हलंत लगा हुआ है। ये नहीं कि त पूरा है, पूरा रहता तो इसके अंत में स रहता, पर त आधा है ना, तो यहाँ पे व्यंजन है, अनुमुख में भी म व्यंजन है, तो दोनों में व्यंजन है, तो इसीलिए व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। ठीक,
सट प्लस मास यहाँ पे वही हो रहा है, टड में बदल जा रहा है, सड़ मास होता है, सट प्लस मास सड़ मास। उत प्लस नति उन्नति, चित्र प्लस चित्त प्लस मात्रा चिन्ह मात्र। यहाँ पे जो त है वो पांचवे वर्ण में बदल जाएगा, त का पांचवा वर्ण न होता है, ठीक। तो चित्त प्लस मात्रा चिन्ह मात्रा। वाक प्लस मय वांगमय, जो क है वो अपने वर्ण के पांचवे अपने वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाएगा। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, तो अंग है। तो वाक प्लस मय यहाँ पे वांगमय हो गया, ठीक। अब देखिए सन मार्ग का सत प्लस मार्ग, ठीक। तो द्वितीय अध्याय पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी पहचानने को तो ये पहचान में आ ही जाती है कि व्यंजनत्व संधि है, अरे सॉरी व्यंजन संधि है, ठीक। तो आप लोग ध्यान देंगे कि सन्मुख का होगा सत प्लस मुख, सभी में अलंक लगा रहेगा। उन्नायक का होगा उत प्लस नायक, सड़मुख का सत प्लस मुख, सड़मास का सत प्लस मास, उन्नति का उत प्लस नति, चिन्ह मात्रा का चित प्लस मात्रा, वांगमय का वाक प्लस मय, सन्मार्ग का सत प्लस मार्ग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन स्वर संधि में अब कैसे प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण में बदलता है। जैसे क है तो अपने वर्ण के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, क ग हो जाएगा। जब उसका वो होगा संधि के छेद होगा तो क रहेगा, जब उसको वो किया जाएगा जोड़ा जाएगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए वाक प्लस जाल बराबर वाक जाल बनेगा, क्यों बनेगा, यहाँ पे जो क है वो अपने वर्ण के तृतीय वर्ण में बदल जा रहा है, ठीक। तो वाक प्लस जाल वाक जाल, दिक प्लस दर्शन दिग दर्शन, दिक प्लस गज दिग गज, अप प्लस ज अभ्य, अप प्लस ज अभ्य होता है, इसका मोस्ट है ये, इसका संधि विच्छेद मोस्ट है। अप प्लस ज अभ्य होता है, दिक प्लस ग दिग्गज होता है, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन होता है, अप प्लस ज अभ्य होता है और अप प्लस द अभ्य होता है, ये दोनों बहुत मोस्ट है। दिग्भ्रम का दिक प्लस भ्रम होता है, उद्घोषणा का उद प्लस घोषणा होता है, जो त है वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ग में बदल जा रहा है, ठीक। तो त का तृतीय वर्ण कौन सा है, त वर्ग का, तो थ द ने त थ और द तृतीय वर्ण द है, ठीक। उद्घोषणा बराबर उद्घोषणा होगा। तो अब देखिए सद भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस भाव होगा। उद्योग का उत प्लस योग होगा, उद्यम का उत प्लस यम होगा, ये भी मोस्ट है। बस आप लोगों को संधि और विच्छेद का देखकर ध्यान देना है, ठीक। और पहचानने को तो ऐसे भी पहचान लेंगे कि व्यंजन के बाद व्यंजन है या फिर व्यंजन के बाद स्वर है या स्वर के बाद व्यंजन है, तो वहाँ कहाँ भी कहीं भी व्यंजन आ गया, अगर मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे संधि का वो होता है मिलान, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। बाकी इस सब ये सब नियम नहीं पूछता है कि तो ये तो जानते हैं बेसिक जानकारी कि कैसे क्या होता है इसमें, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है, और पूछेगा भी तो पहचान लेंगे कि आज प्रथम वर्ण है ये तृतीय वर्ण में है, गर्म बदल गया, ठीक। तो आप लोगों को अधिकतर फोकस करना है संधि विच्छेद पर, किस पर, कि इस संधि इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है, ठीक। संधि विच्छेद ही अधिकतर लोग फंस जाते हैं, कंफ्यूजन होता है बहुत इसमें, ये होगा कि ये होगा, तो इसीलिए ध्यान देना है। तो वाग्जाल हो गया, दिग्दर्शन हो गया, दिग्गज हो गया, अब्ध हो गया, अब्ध का मुष्ट है अप प्लस ज, अब्ध हो गया अप प्लस द, दिग्भ्रम का दिक प्लस भ्रम, उद्घोषणा का उत प्लस घोषणा, सद्भाव का सत प्लस भाव, उद्योग का उत प्लस योग, उद्यम का उत प्लस यम, और षड्यंत्र का सत प्लस यंत्र होगा, ठीक। अब आते हैं हम आगे उसी के उदाहरण में देखेंगे। अब देखिए सदरूप का क्या होगा, सदरूप का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस रूप होगा। सडाग का क्या होगा, सड प्लस राग, सडराग का सत प्लस राग होगा, ये ध्यान देना है। सडराग का सड राग, ये सडराग है, स ड राग, सडराग का संधि विच्छेद क्या होगा, सट प्लस राग, सभी पे हलंत रहेगा, टॉम अंतिम वाले वर्ण में हलंत रहेगा। सद विचार का सत प्लस विचार होगा, सदाचार का सत प्लस आचार होगा,
सदुपदेश का सत प्लस उपदेश होगा। ये ध्यान देना है कि जब सत प्लस उपदेश मिलेगा तो सदुपदेश बनता है, और लोग क्या करते हैं, सदुपदेश कर देते हैं। ठीक, सदुपदेश नहीं, सदुपदेश कर देते हैं। नहीं, सत प्लस उपदेश बराबर चतुपदेश होता है, सदुपदेश, ये भी मोस्ट है। ठीक, सदुपदेश का संधिविच्छेद होता है सत प्लस उपदेश। ठीक, तो सद रूप में, सद राग में, सद विचार में, सदाचार में और सदुपदेश में व्यंजन संधि है। अब है सदानंद, ये भी मोस्ट है, इसका संधिविच्छेद होता है सट प्लस आनंद। सट प्लस आनंद सदानंद, सड ऋतु, सड प्लस ऋतु सड ऋतु, सड प्लस ऋतु सड ऋतु होता है। सड ऋतु का संधिविच्छेद क्या होगा, सट प्लस ऋतु हलंत लगा रहेगा, सत प्लस ऋतु सड ऋतु। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना, आप देखिए क्या होता है, जब यहाँ ऐसे रहेगा तो त है ना, वो च के जो उसके आगे रहेगा उसी में बदल जाता है ये। जैसे देखिए सच्चरित्र का क्या होगा, सत प्लस चरित्र होगा, यहाँ पे सत है यहाँ पे च है, तो अब ये जो त है ये च में मिलेगा तो ये आधा च और बन जाएगा, तो सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक, फिर सत्य प्लस चित बराबर सचित, ये भी मोस्ट है, और दोनों में हलंत रहेगा, ये विशेष ध्यान देना है मोस्ट, कि सचित का जब विच्छेद करेंगे तो दोनों में हलंत रहेगा। क्यों, क्योंकि सचित में अंत में त में हलंत लगा है, तो इसका हलंत यहाँ आ गया, और ये एक विग्रह करेंगे तो सत में हलंत आएगा। ठीक, अब देखिए सज्जन का सत प्लस जन होगा, उत्तिका का उत प्लस टीका होगा, उड्डयन का उत प्लस डयन होगा, तल्लीन का तत् प्लस लीन होगा। बहुत मोस्ट है उड्डयन और तल्लीन, ये दोनों मोस्ट हैं, उड्डयन और तल्लीन दोनों मोस्ट हैं। तो उल्लेख का उत प्लस लेख होगा, उल्लेख का उत प्लस लेख होगा, बृहत चिट्टिका का बृहत प्लस टीका होगा, बृहत चिट्टिका का क्या होगा, बृहत प्लस टीका, जैसे कि जो त है वो अपने सम्मुख वर्ग के अनुसार बदल जा रहा है। ठीक, मतलब उसके जो सामने है उसी में ये भी बदल जा रहा है, जैसे त है त के बाद च है ना, तो ये त भी त में मिलने के बाद आधा त बन जा रहा है। ठीक, तो बृहत प्लस टीका इक्वल बृहत टीका। तो सच्चरित्र में, सचित में, सज्जन में, उत्तिका में, उड्डयन में, तल्लीन में, उल्लेख में, बृहत टीका में, सभी में क्या है, व्यंजन संधि है। अब आगे बढ़ते हैं, श का स में तथा थ का ठ में बदलना। ठीक, जो ये दंत स है इसका मूर्धन्य स में बदल जाना, और ये जो थर्मस थ है इसका ठ में बदल जाना। ठीक, तो यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ की मात्रा हो तो उसके बाद स आएगा, तो इसके बाद दंत स, इसको दंत स बोलते हैं, दंत स आएगा तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, और थ हो तो ठ में बदल जाएगा। ठीक, थ हो तो किसे बदल जाएगा, ठ में। तीन स होते हैं, ये स और ये स, तीनों स के नाम आप लोग जान लीजिए। ये दंत स होता है, ये वाला दंत स है, दूसरा नंबर वाला मूर्धन्य स है, और तीसरा नंबर वाला कालव्य स है। ठीक, ये दंत स, ये मूर्धन्य स और ये कालव्य स है। तो यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ की मात्रा हो तो उसके बाद स आएगा, तो अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ की मात्रा हो तो उसके बाद दंत स आएगा तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ठीक, और प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ की मात्रा हो और उसके बाद थ आएगा तो वो ठ में बदल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वी है, क्या है, वी है। ठीक, तो वी में छोटी ई आ गया ना, और छोटी ई के बाद दंत स आ गया, तो छोटी ई के बाद दंत स आ जाएगा तो वो बदल के मूर्धन्य स में हो जाएगा, दंत स किस में हो जाएगा, मूर्धन्य स में। तो विषम का संधिविच्छेद वी प्लस वन ऐसे होगा, इसको ध्यान देना है। अब देखिए सुसुप्त में, सु में स, यहाँ पे उ लगा है ना स में, तो उ के बाद अगर दंत स आएगा तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो सु प्लस सुप्त बराबर सुषुप्त होगा। ठीक, सुषमा का देखिए क्या होगा, ये भी बहुत मोस्ट है, सुषमा, तो सुषमा का संधिविच्छेद सु प्लस समा होगा, ये दंत स है। ठीक, अगर उ के बाद दंत स आएगा तो वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, यदि ई और उ के बाद दंत स आएगा तो
वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। ठीक, यदि उ ई और उ के बाद दंत स आएगा तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, जैसे अभिषेक। ठीक, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा इसको ध्यान देना है। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस शेख, शेख में दंत स रहेगा, अभी में भी में ई लगा है। ठीक, तो ई के बाद अगर स आ जाएगा तो मूर्धन्य स बदल जाएगा, तो ये अभिषेक हो गया। अभिषेक लिखेंगे तो उसमें मूर्धन्य स रहेगा, लेकिन जब उसका विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस शेख, तो शेख में दंत स रहेगा। ठीक, अब देखिए ये अपवाद नहीं है, इसमें तो उत्सर्ग लगा है, यहाँ पे संधि हुई ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे संधि हुई। अब कहेंगे कि जैसे अनुसार है, अनुसार है, विसर्ग है, निसर्ग है, अभिसार है, यहाँ पे तो ई के बाद दंत स आ रहा है, उ के बाद दंत स आ रहा है, तो मूर्धन्य स क्यों नहीं बदल रहा है? तो इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे संधि हो ही नहीं रही है। यहाँ पे तो सार में अनु उपसर्ग लगा है, यहाँ पे तो सर्ग में भी लगा है उपसर्ग, निसर्ग में नि उपसर्ग लगा है, अभिसार में अभी उपसर्ग लगा है। ठीक, तो यहाँ पे संधि हो ही नहीं रही है, तो यहाँ की बातें दिमाग में लगाना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ई या उ के बाद अगर थ आ जाता है, ठीक, ई या उ के बाद अगर दंत स आ जाता है तो वो उसका वहां पे जो थ रहता है वो थ में बदल जाता है, इसको ध्यान देना है। ठीक, ई या उ के बाद अगर दंत स आ जाएगा तो वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, और ई या उ के बाद अगर थ आ जाएगा तो वो थ में बदल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण बहुत मोस्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे देखिए प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस था, प्रति प्लस स्था। तो देखिए यहाँ पे प्रति में ती में ई लगा है ना, तो ई के बाद दंत स भी आया है और थ भी आया है। तो अगर ई या उ के बाद दंत स या थ आएगा तो दंत स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। तो यहाँ देखिए मूर्धन्य स में बदल गया है, और ई या उ के बाद अगर थ आएगा तो वो किस में बदलेगा? थ में बदलेगा। देखिए यहाँ पे बदल गया है। ठीक, तो प्रतिष्ठा का क्या है? प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। अब देखिए प्रतिष्ठान है, अब क्या है? प्रतिष्ठान। ठीक, तो प्रति, प्रति में ई लगा है ना, तो ई के बाद दंत स आया है और थ आया है, तो ई के बाद अभी दंत स आता है, थ आता है, तो वो किस में बदलेगा? दंत स मूर्धन्य स में बदलेगा, और ये जो थ है वो थ में बदलेगा। तो प्रति प्रतिष्ठान बराबर प्रतिष्ठान होगा। ठीक, अब देखिए प्रति प्रतिष्ठापक बराबर प्रतिष्ठापक, कैसे? आप तो समझ गए होंगे कि प्रति में ई लगा है, जो ती है इसमें ई लगा है, तो ई के बाद यदि दंत स आएगा या फिर थ आएगा तो दंत स मूर्धन्य स में बदलेगा। दंत स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा, और थ किस में बदलेगा? तो थ बदलेगा ठ में, ठठेरा ठ में। ठीक, तो प्रति प्लस स्थापक बराबर प्रतिष्ठापक। अब देखिए अधिष्ठान, इसका संधि विच्छेद मोस्ट है। अधिष्ठान, तो अधि प्लस स्थान होगा, अधि प्लस स्थान बराबर अधिष्ठान होगा। क्यों? क्योंकि अधि ई है, ई के बाद अगर दंत स आएगा या फिर थ आएगा तो दंत स मूर्धन्य स में बदलेगा, और ये जो थ है ये थ में बदलेगा। तो अधि प्लस स्थान बराबर अधिष्ठान, ये ध्यान देना है। निष्ठा का मोस्ट है, निष्ठा का क्या होगा? नी प्लस स्था, निष्ठा का संधि विच्छेद नी प्लस स्था। अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान होगा, ये दोनों मोस्ट है। आप समझ गए होंगे कि छोटी ई के बाद दंत स या फिर थर्मस्थ आएगा तो वो थर्मस्थ बदल के ठठेरा स हो जाएगा, और दंत स बदल के मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक, तो निष्ठा का नी प्लस स्था होगा और अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान होगा। ठीक, अब देखिए अधिष्ठाता, अधि प्लस स्थाता होगा, क्या होगा? अधि प्लस स्थाता, यहाँ पे मूर्धन्य स रहेगा। अधि प्लस स्थाता बराबर अधिष्ठाता। निष्ठुर का क्या होगा? नी प्लस स्थूर, ये भी मोस्ट एग्जाम्पल है, वो जिसको ध्यान देना है। निष्ठुर का क्या होगा? नी
नी प्लस स्थूर बराबर निष्ठुर। ध्यान देना है कि नी प्लस स्थूर बराबर निष्ठुर होगा। युधिष्ठिर बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। युधिष्ठिर का टेस्ट उसमें हमेशा पूछता रहता है, तो इसको ध्यान देना है कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युधि प्लस स्थिर होगा। क्या होगा? युधि प्लस स्थिर तो बनेगा युधिष्ठिर, क्योंकि धी में ई लगा है तो ई के बाद यदि दंत स या थ आएगा तो ठ में बदल जाएगा। दंत स मूर्धन्य स में यहाँ बदल गया और ये ठ ठ में बदल गया, तो युधि प्लस स्थिर बराबर युधिष्ठिर। ये सुपर मोस्ट है युधिष्ठिर का एग्जाम्पल, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। निष्ठुर नि प्लस स्थूल और युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर। ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। त का च में तथा त का छ में बदलना। त का च में तथा त का छ में, देखिए कहाँ पे जो त है वो च में बदल जाता है और त जो छ में बदल जाता है। जैसे उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस श्वास। त के बाद यदि यदि ये त आ जाएगा ये वाला तलब विषय तो वो छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, च। और ये जो स है ये हो जाएगा छ। ठीक, आधा छत्री छ हो जाएगा दोनों मिलके। तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छवास, सत छास्त्र बराबर सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र मिलके क्या बनता है? तो सत छास्त्र बनता है। तथ्यु, ये भी सुपर मोस्ट है तथ्यु, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस शिव। इसका विच्छेद बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि तथ्यु का विच्छेद होगा तत् प्लस शिव। तत् प्लस शिव बराबर तथ्यु होता है। तत् प्लस शिव बराबर क्या होता है? तो तथ्यु होता है। अब देखिए उच्च श्रृंखल का क्या होगा? तो उत प्लस श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल। ये भी बहुत मोस्ट है। क्या है? बहुत मोस्ट है। श्रृंखल में ये श्रृंखल में जो लिखते हैं स्त्री ना, इसमें एक ही डंडी लगी रहेगी सदा। ध्यान देना है, जब श्रृंखल लिखेंगे तो ऐसे नहीं कि दो डंडी लगा के श्रृंखल लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना है इसको। तो उत्त प्लस श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल। अब आगे देखते हैं, स्वरों के योग से च का आगम आना है जुड़ना। ठीक, जैसे स्वर छ से शुरू होने वाला शब्द, ठीक, दोनों के बीच में च और जोड़ देते हैं। जैसे देखिए विच्छेद, विच्छेद जो यहाँ पे स्वर से शुरू हुआ है ना, अंत में वी है, तो ई के बाद अगर कोई भी व्यंजन आएगा तो बीच में क्या होता है? च जोड़ देता है। दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। अगर स्वर के बाद कोई व्यंजन आएगा छ से शुरू होने वाला शब्द हो, देखिए पहले में स्वर हो ठीक और दूसरे में छ से शुरू होने वाला शब्द हो तो किस में बदल जाएगा? वहां पे बीच में क्या जोड़ दिया जाएगा? तो विच्छेद जोड़ दिया जाएगा। ये ध्यान देना है कि अगर ये पहला जो शब्द है जैसे वी, तो स्वर से शुरू है वी, ई की मात्रा लगी है तो स्वर हो गया ना, और अंत में यहाँ पे अंत में का शब्द का जो पहला वर्ण हो वो छ हो, तो इन दोनों के बीच में च को अपने से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो वी प्लस छेद बराबर विच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, परी प्लस छेद बराबर परिच्छेद। दोनों के बीच में छ अपने से जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, तो ये जो प्रतिच्छाया है ये परछाई का तत्सम है। ठीक, ये जो परछाई शब्द है हम लोग कहते हैं ना, ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। तो परछाई का तत्सम क्या होता है? प्रतिछाया। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए वृक्ष प्लस छाया, इसके भी छ के अंत में अ लगा हुआ है। छ के अंत में क्या है? अ लगा हुआ है, तो अ के बाद अगर छ आएगा, स्वर के बाद छ आएगा तो बीच में अपने से हम च जोड़ देंगे। तो वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, मात्र प्लस छाया मातृ छाया, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। ये मूर्छ है स्वच्छंद का, स्वच्छंद का स्व प्लस छंद होता है। ठीक, अब देखेंगे आगे कि म का अनुस्वार में बदलकर अपने से पूर्व वर्ण पर लगना। जो म है ये अनुस्वार में बदलकर अपने से पूर्व वर्ण पर कैसे लग जाता है इसको देखेंगे। ठीक,
तो हलंत म पहला शब्द हो और दूसरा शब्द म को छोड़कर अन्य व्यंजन हलंत म अनुस्वार में बदलकर अपने पूर्व वर्ण पर लग जाएगा। उदाहरण में देखिए समझ में आएगा ज्यादा। जैसे अहंकार है, क्या है? अहंकार। तो अहम प्लस कार होगा, अहम प्लस क्या होगा, अंत में हलन म आया है ना, हलंत है। ठीक, तो इसके बाद कोई भी अन्य व्यंजन आएगा, अगर इसके बाद केवल अगर म आ गया तुरंत तब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दे देता है हनुमान जी मम्मी हम लिखते हैं, ठीक, ऐसे करते हैं ना, मम प्लस फिर आ गया मी। ठीक, तो बराबर हम इसको ये नहीं कि अब यहाँ पे भी जो आधा म इसको ऊपर पहुंचा देंगे, नहीं, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना है, अब इसको ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हलंत वाले म के बाद कोई और व्यंजन आ जाए म के अलावा, तो वो अनुस्वार बदलकर और अपने से पूर्व वाले वर्ण पर लग जाता है। ठीक, जैसे यहाँ म का पूर्व वाला वर्ण ह है ना, म का पूर्व वाला वर्ण कौन सा है, तो ह है। तो ध्यान देना है, एक मिनट लेट हो गया। हाँ, तो देखेंगे कि अहंकार, ठीक, तो म के बाद हलंत वाले म के बाद यदि कोई भी और व्यंजन आता है तो वो अपने से पूर्व वाले वर्ण पे अनुस्वार बन जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ जो बन गया ना, म के बाद क व्यंजन आ गया, तो ये अपने से पूर्ण अहंकार, अहंकार, तो ये अपने से पूर्ण म से पूर्ण ह है ना, देखिए उसका अनुस्वार बन गया, क्या बन गया, अनुस्वार बन गया म। अहंकार को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो देखिए संकल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस कल्प, तो ये जो हलंत वाला म है इसके बाद कोई भी अन्य व्यंजन आ गया, जैसे क आ गया तो क्या बनेगा, ये जो म है ये अपने से पूर्व वाले व्यंजन पे जाके और अनुस्वार बन जाएगा, इस पे नहीं बनेगा, क पे नहीं बनेगा, अपने से पहले वाले पे जाके अनुस्वार बन जाएगा। ठीक, तो सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, तो देखिए कल्प वैसे ही है, सम सम में कल्प जुटा है तो क्या हुआ है, सम से ये जो म है ये स पे आके अनुस्वार बन गया है। ठीक, अब अलंकार का देखेंगे, अलंकार में भी वही नियम फॉलो हो रहा है, अलंग प्लस कार बराबर अलंकार, धनंजय, धनम प्लस जय, धनम प्लस जय, ये भी बहुत मोस्ट है, इसका संधि विच्छेद ऐसे दे देगा तो दिमाग नहीं काम करेगा, धनंजय का संधि विच्छेद क्या होगा, धनंजय।